आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ बर्गर की, बर्गर भी हमें चाहिए, बर्गर पैटी, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने केयरेंस का लिया है, डॉन के बर्गर्स मंगवा दिए मैंने, साथ में मैंने लिया चिकन स्प्रेड, साथ में लिए 5 अदर अंडे। अंडे में मैंने क्या किया, उसमें मैंने डाला है चिलीज, चाट मसाला और थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है, इसको मैंने कर दिया। और साथ में अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ऑयल जो है गर्म कर लिया है, अब इसमें मैं डालूँगी ये पैटीज, ठीक है, ये अब जा रहा है पैटीज के अंदर, ठीक है। आंच को मीडियम टू लो कर देंगे, ये हो रहा है, ठीक है, बस। और ये वन बाय वन मैं करूँगी ताकि ये किसी से ख़राब ना हो। साथ ही हमें चाहिए टोमेटो का केचप, मैं कनौर का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो उनसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। टोमेटो केचप मैं डालूँगी बच्चों के लिए, और जो बड़ों के खाने के लिए डालूँगी मैं चिली गार्लिक सॉस डालूँगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी स्पाइसी होती है तो बच्चे नहीं खा सकते, तो बच्चों में आपने सिंपल टोमेटो केचप ही डालनी है। बाकी मैंने इसमें यूज़ करी यंग्स का, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे वो फ्राई हो जाए पैटीज को फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे बर्गर पैटीज तैयार हैं। अब मैं इतनी देर जो बाकी रिमेनिंग रहते हैं वो फ्राई करती हूँ, और मैं फिर आपके पास आती हूँ कि इसको आपने बर्गर्स के लिए आपने क्या करना है, कैसे आपने रखना है, कैसे लगाना है, ठीक है। ये साथ ही मैंने जो इतने फ्रीज़र से निकाले, मैंने इनको बॉयल कर लिया था, लाइट बॉयल, ठीक है। इसके साथ जो हम फ्राइज बनाएंगे जो कि बिल्कुल जुड़े नहीं, बिल्कुल स्टिकी ना हो और क्रिस्पी बने, और उसको मैंने बॉयल करके मैंने इसे कुछ कपड़े पे ड्राई कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया। फ्रीज़र में रखने के बाद हल्का हल्का, जब मैंने इसे ड्राई किया था हल्का हल्का, उसके ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया था, और अब ये बिल्कुल स्टिकी हो गए, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए और फ्रीज़र में रखती थी, जब मुझे फ्राइंग करनी होगी तब मैं इसको निकालूंगी। ये देखें, ये बर्गर पैटीज तैयार हो गए हैं, थोड़े से डार्क हो गए हैं क्योंकि मुझे पता नहीं चला, मैं बाकी काम कर रही थी। और ये अब मैं बर्गर्स की तरफ आती हूँ, और साथ में अंडे पर पहले मैं अंडा फ्राई कर लूँ, ये जो मैंने रखा है मुझे 6 बर्गर्स के हिसाब से इसको फ्राई करने के लिए 6 एग्स हैं, क्योंकि मैंने इकट्ठा ही इसको पैन किया था। तो अब मैं इसको फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने रख लिया है नॉन स्टिक पैन, इसमें मैंने थोड़ा सा डालना है ऑयल ताकि एग फ्राई हो जाए। ये देखें, इतनी सी क्वान्टिटी में मैंने ऑयल डाल दिया, और मैं स्टोव को करने लगी हूँ ऑन, स्टोव को मैंने ऑन नहीं किया था, ये जितने बर्गर के हिसाब से है ना, मैंने उस हिसाब से इसको मैंने कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं कोई चीज़ रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल जब हो जाएगा तो फिर मैं इसको निकालूंगी बाहर। ये मैंने एक बर्गर के हिसाब से डाला है, इसी तरह मैंने 7 टाइम्स करना है, ठीक है, कि 7 बर्गर के हिसाब से एग्स बनते जाएँ। ये देखें, अब ये हमारा हो चुका है, अब मैं इसको निकालूंगी, या मेरे का हल्का फ्राई हो गया है, ठीक है, अब मैं इसके लिए नेक्स्ट डालूंगी। तो हम कर रहे हैं ऑयल हल्का सा डाल के, मैं बर्गर को थोड़ा सा ब्राउन कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं इसको निकालूंगी बाहर। डालिए इसे माइनस को मैं लगाऊंगी इसकी हेल्प से, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है, मैंने डालना है दूसरी साइड पे केचप, बच्चों वाला केचप डाल रही हूँ क्योंकि ये बना रही हूँ बच्चों के लिए, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है, हम डालना है एग, इस तरह करके एग का फोल्ड रखेंगे, साथ एक बर्गर पैटी, उसके ऊपर फिर डालूंगी मैं केचप, और इसके बाद मैं इसके ऊपर रख दूंगी ये चिकन स्प्रेड वाला, ये, ठीक है। और इसके साथ अब मैंने यहाँ पे चिप्स रखने हैं, वो मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखें, हमारा जो है बर्गर तैयार हो गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।